राम राम सारे भाई ने भाई भजन सिंह मणक माजरा, नारे देना आसान आ, नारे तो कुछ भी दिया जा सका, नारे दे देगा जनता ने बरगड़ा गड़ा का। ये जो नेता हमारे यहाँ तो अनपढ़, इनके अलावा जो पिट्ठू बैठे है नी, पढ़े लिखे पिट्ठू बैठे इनके पाले, वही तो स्लोगन बना बना के देवा भाई, तो यू नारा फेंक दे न्यू वोट मिल जाएगी, न्यू नारा फेंक दे न्यू वोट मिल जाएगी, बस यू ही आ। इनके पल्ला कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितनी हकीकत है, कितनी दरातल पाया काम कर सका, मैं थाना बताऊंगा आज लाइव में सबूत के साथ। और नारे देने से आना, जिस तरह बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, और नारे दे दे हर हर मोदी घर घर मोदी है सारे नारे हैं, तो नारे देना आसान आ, और नारे पर काम करना धरातल पर काम करना लवा दौरा भी कोनी है। मैं बताऊंगा इनकी कितनी ताकत आ, कितने इनके पल्ला, सरकार जरूर बनगी हरियाणा में, और यह भी कोई नहीं है भाई मतलब खिलाफत वाली बात है, कुछ सच्चाई बताऊंगा मैं, तुम किसी भी माध्यम से सुन सको। तो सबसे पहले तो सच्चाई बताऊंगा जी, था ना थोड़े दिन पहले जी मंत्रिमंडल का विस्तार होया, सबसे पहला मंत्री पद के शपथ लीजिए अनिल विज ने, यानी 7 बार का एमएलए, 7 बार का, 35 साल एक आदमी ने कुर्सी पे हो गया, यानी अंबाले का स्वर्ग बन जाना चाहिए था, अब तक स्वर्ग बन जाना था अंबाले का, अगर 7 बार एक आदमी लगातार विधायक बन गया 7 बार 35 साल, और उस आदमी ना मतलब सारे मंत्रालय मिल लिए, पहला गृह मंत्री भी रहा, फिर स्वास्थ्य मंत्री भी रहा, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री भी बना दिया, तो थोड़े दिन पहला वो बस में बैठ का जी वो मंत्री बनया बनया, उन्होंने सिर्फ अपनी एक हाजरी लगवानी थी, एक हाजरी लगवा को करनाल चला गया बस स्टैंड पर, तो बस में बैठ का सीधी पहुंचे करनाल, करनाल जाकर उन्हें पूरी अफरा तफरी मचाई, अखियां दुकाना नू कर दो, फलाना कर दो, ढिकड़ा कर दो, पूरा ज्ञान पेल का है बस स्टैंड पर, उठा एक मेरे यार दोस्त की दुकान है, तो उस यार दोस्त की दुकान पर मैं भी पहुंचा, मैं भी बड़ा नुकसान करके हो गया, अनिल विज आया था कल, मैं पता नहीं क्या कर दिया, तो बुरंगा मैं कर, अनिल विज के पीछा सारी पुलिस चल रही, वह कमल मिड्डा पर करनाल ब्रेकिंग पा उसकी वीडियो लाइव पड़ी, सारे वीडियो जाकर करनाल ब्रेकिंग पर देख भी सको, तो कह रहा अब पुलिस को बुलाओ, इनकी दुकान ने उठाओ, पुलिस उसके पीछा चल रही, अरे 7 बार का एमएलए तो मंत्री तो 7 बार का पुलिस नाम बुलावा, पुलिस उसके पीछा चल रही। अगले दिन मैं दुकान पर गया सांत्वना देन, मेरे उठा यार दोस्त की दुकान थी, मैं नुकसान करके होगा दिठा दियो, पुलिस वाले तोड़ दियो, पानी की बोतल ऊपर नींबू लेमन की दुकान है, उसकी पानी की बोतल के ऊपर नींबू धरिया था, नू का नू नींबू तक भी नहीं हल्ला, उसकी बोतल पे तो नींबू गिर गया। उसके बाद अनिल विज गायब, आज तक नहीं दिखा, कड़ा गया किंग रवा ओके मतलब कुछ नहीं, बस गया, ओडा जाकर उन्होंने अपने नंबर बनाने थे बनाया है उस दिन। उसके बाद आज जी दूसरा मंत्री आया हमारा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा रादौर थे, कृषि मंत्री का फोन आया, पता नहीं किसका है, ऊपर खट्टर का है मोदी का है, वो नहीं मना पता, एक फोन आया, फोन श्याम सिंह राणा ऐसे ले रहा था, कीपैड वाला फोन दो ला, हाँ जी अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ कर दूंगा, ठीक है जी, बस इब जा रहा है, इब कर रहा है, पहुंच रहा है जी, बस पहुंच रहे 10 मिनट दो पहुंच रहा जी, वो फोन नहीं मना पता किसका था, उस पर फोन आया ऐसे फोन पर, सीधे उठाकर त्रोड़ी मंडी पर पहुंच गया, किसानों दे एमएसपी पर गारंटी खरीद कानून की गारंटी देन, बोले जीरी आ जीरी ठाइया हाथ पर थोड़ी सी सुना जीरी ठाका, धान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा, सिर्फ उस तरह फिर फोन करया कहेगा, कह दिया जी ठीक है बस वापिस आ जा, इतनी बात कह को अपने घरों चले गए, उन्होंने अगली बात तो कोई मतलब ना, उन्होंने सोचे एक जुमला तो फंके ही आ भाई, धान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा, एक और फेंक जाता, अगर इंजन थली की सड़क को सारी पक्की बनवा दूंगा, डबल लाइन बनवा दूंगा, फलाना बना डिकड़ा बनवा दूंगा, एमएसपी वाला तो तेरा हो गया पूरा, अगली और फेंक गया जाता जाता, को धान का सारा एक एक दाना एमएसपी गारंटी खरीद कानून के ऊपर खरीदा जाएगा। फिर उसके बाद वो घरों पहुंच गया जी, घरों पहुंच गया, दान थी जो उसके बाद इस पर एमएसपी पर बिकी ना बिकी, लोगों ने 1800 में बेची, 1900 में बेची, 2100 में बेची, उसका नहीं दोबारा पता मिला, अगर डीएपी की कोई कमी नहीं है, फिर हमारे सीएम साहब का मैसेज आ गया अखबार में आ गया, अगर डीएपी की कोई कमी नहीं है, हरियाणा में लोग लाइन में लगे लगे खड़े, डीएपी की कोई कमी नहीं है, बस बयान देने एक बार अखबार में दे दो, फोन पर दे दो, कड़ा दे दो, बयान दे मतलब आ, इससे आगे कोई मतलब नहीं है कहीं भी, सिर्फ बयान दे मतलब, अभी बयान दे दिए बात खत्म होगी उठी। उसके बाद भी थारा जगमोहन आनंद करनाल से एमएलए बनया, एक पुल मत रेड से आ गई थी, 1.5 महीने पहले की बात है, पता नहीं महीने होगा, ओडा पहुंच गया कारमा, पुल लवा पहुंचा, पुल मतरेड आ गई, खड़े होगा कार मनु देखने लग गया, 10-20 मेरे तेरे वर्गे खड़े होगा, उठा भाई मैं ले रहा, सारे खड़े होगा उसके लिए देखने लग गया, पुल ला पुल ना तो इस तरह देखना आ जाना, उसमें तसले मरे तसीमट लेकर आयो भी दरार भर देगा, पुल आई हुई सारी पुल मजन सी दरार है रही। और अगले दिन यह मैं भी N24 पर लाइव देख रहा भाई, उसने कुछ नहीं कराया, देख को पुल से ना वापिस भग गया, अगले दिन वही फोटो जो पुल तला उसके अलावा लोग खड़े थे वही फोटो अखबार में छाप दी, बोले को वहां पर जगमोहन आनंद ने लोगों की सुनी समस्याएं, कोई लेना नहीं देना नहीं मतलब नहीं।
तो भाइयों जो इनकी थरते बता रहे हूं भाई, कितने इनके पल्ला, कितने दाने इनके पल्ला, दो चार चीजें दिखाऊंगा था अखबार की पिछले 10-15 दिन की कटिंग अदर बैठे में भाई, कितने कितने दाने इनके पल्ला इसमें। तो इब दिखा रहे जी में था ना कुछ कटिंगा। सबसे पहला तो जी मारी विधानसभा जो हरियाणा की, वो चंडीगढ़ बननी थी, जमीन पिछले विधानसभा इसके शासन काल में ना अलॉट कर दी थी भाई, इतनी जमीन इससे दी जाएगी 10 किले थे मेरे हिसाब से चंडीगढ़ के, मैं हरियाणा की अलग से विधानसभा बनने खातर। ईब उस पर रोला पड़ गया, सारे पंजाब वाले पीट रहे, छेत रहे, इनका थापड़े मार रहे, इनका कोम नहीं था, ना 1 इंच भी देंदे, नमम थरते बनाने देंदे, या जिनकी ताकत उड़ा रोल लग रहे सारे अखबार मां को मरते बनाने नहीं देंदे, मरते न्यू नहीं करने देंदे, कह के मैं ले थम पर कह के विधायक हो, कह की सरकार आधारी 3 बार होगी, सेंटर मुख विश्व गुरु है, और मोदी डिजिटल इंडिया फलाना इंडिया 56 इंची पता नहीं क्या बात, भंग अखबार हमारा भूख भोना वा ओडा कुछ भी नहीं, विधानसभा को अथर देने 1 इंच भी जमीन देंदे हरियाणा दे, क्यों देंदे भाई। मणिपुर मां पिछले 1.5 साल तक हिंसा चल रही, मणिपुर मां ईब तक ओठा विधायक बीजेपी के विधायक घरों बड़बड़ का पिटे जान लग रहे, लुटे जान लग रहे, कल की अखबार की खबर दिखाऊंगा थरते, कुछ नहीं करा गया अब तक उनका मणिपुर में, मतलब अब तक शांति बहाल नहीं करी गई, ये इनकी पावर है, ये इनकी औकात, और दिखाता हूं जिनको थोड़े दिन पहले 20 दिन पहले ये खबर, आज 25-26 नवंबर होगी, 5 नवंबर की खबर दिखाऊंगा अखबार में। आर्टिकल 370 दोबारा बहाल कर दिया जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, तुम कहोगे यू हो नहीं सकता, यू फलाना नहीं हो सकता, डिकड़ा नहीं हो सकता, वो इतने लोग उठा पागल आगे जो एमएलए बन रहे जिनकी सरकार है वो पागल हैं, उन्हें पारित कराया नौबत भी क्यों आई। इस बीजेपी सरकार ने सोचा भाई सेंटर में तो हम आई हम जानते को नहीं, ओटा भी हम सरकार बना लेंगे विधानसभा में, राज्य में उसमें जम्मू कश्मीर जो बने आए राज्य, किसी ने पता नहीं चलने का, दोबारा उन्हें एप्लीकेशन भी लाने की एप्लीकेशन लाई है जो पारित कराया हो 370 भाई बहाल करेंगे हम, यह नौबत भी क्यों आएगी, इतने जोगे भी क्यों छोड़े वहां लोग। उसके बाद जिनकी पावर SYL का पानी, SYL का पानी एक बूंद नहीं ले सके, एक बूंद भी नहीं ले सके, यह जो सेना कर रहे थे थोड़ी सी ड्रामेबाजी, इसके जो नेता थे सारे, इसके विधायक थे सारे के सारे ना ड्रामेबाजी करका और घरों बढ़ गए, जो मंत्री बन रहे यहां तो खान के नायक नाम के हैं, ज्यादा खुश नहीं हो करो इन्हें देख का, और फलाना डिकड़ा और सरकार आएगी और या तो काम कर देगी नू कर दे, कुछ नहीं आ। जिस तरह के वकील अपनी कोर्ट में जाकर ड्यूटी कर रहे, एक थानेदार अपने थाने में जाकर ड्यूटी कर रहे, एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में जाकर ड्यूटी कर रहा, यहां तो मतलब इतने ईमानदार हो, इतने सच्चे हो। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में, सारी की सारी उन्होंने पिलसन काट कर उनकी पिछली एक पिलसन कर दी भाई, एक विधायक अगर एक बार का विधायक है उससे एक पिलसन मिलेगी। बीजेपी ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अच्छी सरकार, फिर ये एक पिलसन कहते नहीं कर दे, अनिल विज 7 पिलसन ले रहा, ये किरण चौधरी मेरे तक वहां कुछ लोग पिछली वीडियो देख का बोले को तो बदल गया, तो बीजेपी की तारीफ लग गया करण, बदल गया अशोक तंवर 10 बार बदल गए कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में बीजेपी में, उससे कुछ नहीं कहते, उससे पूछने की मत नहीं, इनकी गरीब आदमी से पूछ सकाया, मेरे पे कमेंट कर सकाया, उससे नहीं पूछते हैं। किरण चौधरी ये बुड्ढी लगाई देख ना कितनी हिम्मत करी, सबसे पहले तो आप राज्यसभा सांसद बन गई कांग्रेस में, बीजेपी में का फिर लड़भीड़ का टिकट दवा दी अपनी छोरी थे बीजेपी की, और फिर वो मंत्री बना दी, इस बुढ़ापे में भी कितनी चलनी है। मैनू पूछना चाहूं किरण चौधरी की छोरी जो है मंत्री बनी है तो तेरपन छोरा मना गोद ले ले, बहुत बहुत चलनी, मतलब बहुत हिम्मत करी इस लेडीज ना, बहुत हिम्मत करी, बुड्ढी लगाई होंदे हुए और तारा कोई फर्क नहीं पड़ता इन बात का, सारा जमीर ईमान दीन सब मेरा ही होना चाहिए, हुआ इनका कुछ नहीं हो किसी का। नवीन जिंदल पहला कांग्रेस का सांसद था, बीजेपी का सांसद बन गया कुरुक्षेत्र, कोई फर्क नहीं। वो वीरेंद्र सिंह डुमरखा पहला बीजेपी में था, पहला कांग्रेस में था, बीजेपी में था, कांग्रेस में गया, कोई फर्क नहीं लोगों का। अरविंद शर्मा पहला कांग्रेस में था, सारी उम्र मलाई खाई, बीजेपी में गया, विधायक बनकर मंत्री बन गया, कोई फर्क नहीं। मना बीजेपी की थोड़ी सी तारीफ कर दी को तो बदल गया, यह भी तो बदल रहे हैं सारे। मैं तो बीजेपी भी ज्वाइन करूंगा 6 महीने बाद, बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा साल बाद, जब सारे करने लग रहे हैं, सारे तुम वोट भी देने लग रहे हो, सच्चाई तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर मैं भी कर लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये मैं दिखाऊं था इनकी कटिंग जो पिछले 15 दिन में जो उलमाल चला रखा। सबसे पहले तो मंत्री विधायकों के आवास पर भीड़ ने बोला दावा, आगजनी कर्फ्यू लगा। ए या देखो भाई 16 नवंबर मणिपुर हिंसा एक बार फिर से तेज हो गई है। इस पान में शनिवार को प्रदर्शनकार दो मंत्री और 3 विधायकों के आवास पर दावा बोल और मतलब हमला कर रहा, कहने का मतलब है मणिपुर में
उसके बाद आ जाओ जी महाराष्ट्र में जो जीतने लग रहा है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले कैश कांड की गूंज, भाजपा महासचिव तावड़े के खिलाफ FRI दर्ज। यू देखो कैश कांड ही ने पूरा कराया, जो मैं कहूं था निधारते पूरा पीछे बंडे बोतल मंडी उठा भी काम चलिया, इसी करके जीते उठाया। ई बाजो जी हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर मंत्री विधायक हुए आक्रामक। अनिल विज ने कहा चंडीगढ़ तभी पंजाब का हिस्सा हो सकता है जब हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित हो जाए तथा SYL का पानी मिल जाए। चंडीगढ़ ही बननी चाहिए हरियाणा की विधानसभा का नया भवन। चंडीगढ़ पर हरियाणा की दावेदारी रहेगी बरकरार। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का अधिकार। चंडीगढ़ का एक इंच हिस्सा हरियाणा को नहीं देंगे, इस पर सिर्फ पंजाब का चिम्मा। कहा चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी और पूरी तरह से है पंजाब का हिस्सा। तो ये आम आदमी पार्टी का जी जो कह रहा है, यह तड़ा बीजेपी के यहाँ हरियाणा को किसी भी कीमत पर अलग विधानसभा के लिए जमीन नहीं दी जाएगी। यू कह रहा है जी, यू बीजेपी का ही कह रहा है भाई हरियाणा तो जमीन नहीं दी जाएगी। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, कहा पंजाब के हितों की रक्षा आपके हाथ। मतलब यहां भी नुका रहे भाजपा वाले भाई, चंडीगढ़ जो जमीन है हरियाणा से मिलनी है विधानसभा खातर, या ना मिली है, ना मिला चंडीगढ़ में हरियाणा को विधानसभा के लिए लाट की गई जमीन को लेकर मचा घमासान। उसके बाद जी आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित। और यह खबर आज 6 नवंबर की, यू पारित कर दिया बोर्ड के मार्शल ने भाजपा के दंश सांसदों को उठाकर सदन से बाहर फेंका। यू देखो ऊपर सिर पर जिस तरह मर आदमी ने ठा लेकर सिर पर इस तरह ठाकर बाहर भगा दिया यू भाजपा के विधायक। आर्टिकल 370 पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा चले लात गुस्से, यहाँ पिटे गेर का उरा सारे छेते। कहने का मतलब यू हुआ जो विश्व गुरु हुआ या पार्टी विश्व गुरु देश में 56 इंची प्रधानमंत्री मारा, उसके विधायक जम्मू कश्मीर में लात गुस्से उनका मारे जाने लग रहे, उड़ दे सारे छेद को बाहर भगा दिए सारे के सारे। मैं तारा वीडियो भी दिखा दूंगा, नुकन दो भाई पिट्टे को नहीं, पिटन की वीडियो भी दिखा दूंगा। यहाँ से ऐसी वीडियो वायरल को नहीं होने दें, मैं दिखाऊंगा था नला जो दिखता। तो ये सारे के सारे जिस रोज छोटे छोटे जाकर तुम्हारे गांव के नहर में ना करा, और जब नहर आकर फिर वहां एक कुत्ता है ना ठाक उसकी टांगा पकड़ के खड़े ने नहर में बगा दे कर रहा हूं, इस तरह सारे के सारे बगाए हैं। तो एक दूसरी वीडियो दिखाऊंगा, देखता ना ए ला दूसरी देख लो। दिलक के दे देगा कपड़े पैट दिए लात गुस्से मारे। मैं तो ठीक रह गया विधायक नहीं बनया, मैंने भी छेद दिया तो गेर का विधानसभा में। तो कहने का मतलब जो कह रहे विश्व गुरु, ये एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट में पुंडरी के विधायक सतपाल जामबद करना चाहूं। पुंडरी में पूरा बवाल मच रहा हेलमेट ना लेका, और पूरा बवाल मचा रखा भाई हेलमेट ओडो निरे जाकत वीडियो बनावा निरे अपने भाई मेरे चुनाव प्रचार में पुंडरी के बरसाने गांव के मेरा पूरा साथ दिया, उड़े बिलारो कार ले लेगा और रैलिया में आए मेरे गलो वोट मांगी, यानी 55 किलोमीटर ते उरा उड़ाए उड़ते फिर लाडो आगे 55 किलोमीटर और गए घर तेल फूकया ना, मैंने उनकी कार में तेल पुआया। कुछ भाई आगे फोन आए तो मैं सतपाल जामबद रिक्वेस्ट करना चाहूं जो और विधायक इनकी तरियों चल ठीक आ, तना टिकट मिल गई तेरा काम बन गया, इसने पोजीशन ना संभाल कर रखी ना खराब नहीं करा, तना टिकट मिल गई तो बन भी गया नहीं। ऐसे लोग हाँ मराठा वर्ग जो 8-8, 9-9 बार हो टिकट लेने लग रहे, वेदपाल एडवोकेट ने लगा लो और आर मिलन लग रही, या वो लगा लो अरविंद कल्याण के श्यामी लड़न लग रहे, वीरेंद्र राठौर 4-5 बार कांग्रेस की टिकट पैर लिया, या UDD शर्मा लगा लो, आपने टिकट मिली पहली बार में जीत प्राप्त हुई। मैनू चाहू भाई आप काम करका, इन लोगों ने परेशान नहीं करो के जरूरत परेशान करके, क्यों तो बाल बधा रहे जिनका बाल बचे को तो बधावेगा, या तो बुलट के पटाखे बजावा उनके भाई अमरीका जो दिहाड़ियां कर रहे हैं वो पीछे भेज रहे, या नहीं पटाखे बजावेंगे और कौन बजावेगा पटाखे बुलट के, बजाने दे बेचारे ना। और कह रहे हो तो छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ, जो लड़के के साथ छेड़छाड़ होगी पुलिस का खतरा, थाने में नहीं जाएंगे अपने आप। तब बिना बात कह लेगी असल लगाने पर छोड़ दो, अपने काम पर ध्यान दो, असल में इसमें तो कोई सरकार में कुछ काम कुम है नहीं, और अगर आप ना लग दो भाई इतने काम इसमें है हम काम कर सका और पावर हमारे पास सरकार है, तो SYL का कसियर रसीने से लेकर उड़े तक डांड तक नहर खुद बगा सारी, इतनी मतलब क्रांति आ रही हो काम करने की, तो SYL का पानी लिया ना बड़े भाई पे दे जो हमारा बड़ा भाई है पंजाब, नाम नाम का बड़ा भाई है यू,
कुछ नहीं अब क्या मैं साले ना जोड़ से ने इनका साथ दे दिया हरियाणा में इनका गिल्लो लग गया। चाहे आंदोलन करो चाहे दिल्ली जाओ कड़ी जाओ इनके गिल्लो हरियाणा के सिंगल आदमी ने नहीं लगना। जब तक मरते हैं हमारा एसवाईएल का पानी नहीं देंगे। एसवाईएल ना तो छोड़ो, चलो तो पुरानी बात होगी, राजनीतिक मुद्दा हो गया। ये जो चंडीगढ़ हमारी विधानसभा खातर 10 किले पिछली सरकार में लाट हुए थे, बीजेपी की सरकार ना लाट करे थे 10 किले चंडीगढ़ के। मैं उसका एक रीजन भी बता दूं, बताना 107 गांव हिंदी भाषा पट्टी, यानी वहां सिख समुदाय थे, पंजाबी समुदाय थे, किसी समुदाय थे नहीं है, हिंदी पट्टी के जो हरियाणा ना मिले थे उस टाइम 107 गांव वो पंजाब ना रख लिए थे। भाई जब तक मारते वहां 107 गांव मारे नहीं मिलते, मारा चंडीगढ़ पा हिस्सा रहेगा, हमारी विधानसभा भी उठी रहेगी। चंडीगढ़ पा हम हरियाणा बराबर का हकदार आ, चंडीगढ़ के ऊपर मारा बराबर का अधिकार आ चंडीगढ़ के ऊपर। जब तक मारे वहां 107 गांव नहीं मिलते, या पंजाब वाले बड़े सियाने हो रहे, बड़े भाई हमारे, ये बीजेपी के भी बड़े भाई हमारे मारे नहीं, ये एसवाईएल को पानी भी नहीं दे रहे, ये विधानसभा खातर जमीन भी नहीं दे रहे, ये हमारे 107 गांव भी नहीं दे रहे, आंदोलन में थम इनका गल्लो लग रहे। अरे नहीं पिछोर पड़ रहे क्या एमएसपी के नाम के? नहीं एमएसपी चोर, सारा देश भी तो बैठे है यू, यहाँ क्यों नहीं आंदोलन कर दे? हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले, यूपी वाले, यहाँ क्यों नहीं आंदोलन कर दे? ओडी सारी गर्मी पड़ रही है क्या एमएसपी खातर? अरे एमएसपी हर बार सरकार 150-100 रुपये बढ़ाने लग रही, तो बढ़ाने लग रही नहीं, सोच लो जो बढ़ाने लग रही वो बढ़ाई को नहीं, 150-200 रुपये कमी तो खरीदना है बेचारे। अरे एक जीरी का ही रोला किसानों के लिए मैं ऐसी ऐसी स्कीम आने वाले टाइम में जो मैं धरातल पर देख रहे हूं सारा कुछ, थाने तो पता ही कुछ नहीं, ये चुड़ू नहीं और थारा बड़ा का फुद्दू का जो आंदोलन कर रहे, चलो उठा लठ मरवा दा थारा घरों पर चलवा दा। यहां अगर इतने ने तो इतने सच्चे हो, किसानों ने जागरूक करो, अच्छी फसलों के लिए जागरूक करो। सरकार इतनी सब्सिडियां दे रही, मैं थारे बताऊंगा नहीं, सरकार ने तुम लूट खाओगे, थाना तो पता ही कुछ नहीं, पानीपत रोज तक का नहीं, लोग इतना फायदा उठा रहे इन स्कीम का, इतना फायदा उठा रहे, थारे तक तो आंदे आंदे में स्कीम 5 साल लग जाएंगे जब तक उन स्कीम का पता चलेगा भी कर्ज किसान का सरकार की इन स्कीम तो इस सब्सिडी से इतना बल हो सका। एक चीज लोग उठा सलगम का किला बोल रहे छिंटे के लोग, वो पाइप के लोग उसमें पानी चला रहे, 2.5-2.5 लाख का सलगम का किला काटने लग रहे, और सलगम हम डोड़ा पर बरसमन हुई लादा, कोई पूछता भी नहीं, और ट्रक के ट्रक आवा दिल्ली थे अपने आप खेत का खड़े खड़ाए का ठेका मारा पड़वावा गाला, 2.5 लाख का, 2 लाख का, 1.5 लाख का किला पड़ने लग रहा है, छिंटे के लो सलगम बोनी 60-70 दिन की फसल आ। ऐसी ऐसी मेरा जी भी करे था लाइव बनाना, मैं जा रहा थोड़ा 3-4 दिन लाके आया, मतलब उठा ऐसी ऐसी स्कीम चल रही, ऐसी ऐसी सब्सिडियां चल रही, अगर किसानों ना कोई बैठ का उन स्कीम के खातर जागरूक करा नहीं, मेरे को वादे तो ज्यादा बल हो जाए किसान का, या छोड़ का आंदोलन वाली रहा को राजो लटकाओ पर्चे लगवाओ वह चीज छोड़ का, और जो इन स्कीम के बारे में कोई बताया था बैठ का धरातल पर फिर कभी यह स्कीम नू सरकार इस चीज पर सब्सिडी दे रही चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसी ऐसी सब्सिडी आ रही जो थम थारे तक तो मेरे हिसाब से उस सब्सिडी का पता सिर्फ स्टोंडी बीजने तक आगा पता, बीजने तक तो मैंने 1-2 जगह देखी हुआ, पानी पत्ते जैसे मैं चलिया सोनी पत्ते चलिया तोटे तक तो है, आगा कुछ नहीं और ना नीलोखड़ी कुरुक्षेत्र शाहबाद साइड तो कुछ भी नहीं है, उसकी माँ का कह भी नहीं है, पता ही किसी ने कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं साड़ा, सब बस नू एमएसपी मिल रही, आज आंदोलन करेंगे गन्ने के एमएसपी मिल रही, आज शुगर मिल आगे धरना देंगे, फंडिंग खाली है आंदोलन के नाम पर, यू काम छेड़ रखा, कोई बताने वाला ही नहीं है। अगर इतने नेता इतने सच्चे इतने किसान आया तो थरते बताने क्यों इन सब्सिडियों के बारे में, ऐसी ऐसी सब्सिडियां मेरे हिसाब से मैं देख कर रहा रह गया, मगर जो किसान ने इन बातों का पता चल जाए, किसान के ज्यादा से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाए, और उन सब्सिडियां के सिर्फ एक फायदा था ना कि जीरी छोड़ दो, जीरी तो सारी समस्या हुई, एमएसपी वाला जूता बज रहा जीरी पे तो बज रहा, गेहूं तो मान मिलने लग रही है एमएसपी, जानती तुल जा कोई रोला नहीं कहीं का भी, सब्जियां में ऐसी ऐसी वराइटियां ला रखी ना, एक तो एक चीज ला रखी ना, एक तो कंप्यूटर करंट माना पता भी नहीं उसका, सारा सब्सिडी में मिलने लग रहा पशुओं के रक्षा करण खातर फसल की, वो कड़े कड़े पाइप जो इसमें बछाएगा इस पर पानी देवा, और वो पाइप जो कड़े कड़े लंबे सारे के सारे लोग ना लेकर सब्सिडी अब सरकार पे, अगर किराए पर दे रहे जिन्हें नहीं पता इन बात का, भैया सब्सिडी पे ना ले रखे वो 3-4 गुना पैसा कमा के किराए पर दे देगा, था ना पता ही नहीं इन बात का, अब सुपर सीडर पर कितनी सब्सिडी मिला कोई बताने वाला ही नहीं बैठ का, अब आंदोलन करेंगे आज आंदोलन करेंगे, मरवाओ लट लगवा दो पर्चे पा, मेरा दिल करा थरते बताने ना भाई ठीक है कोनी मेरा जिस दिन मन होएगा उस दिन थरते शुरू तो जाएगा, कोई बात नहीं मेरा तेल लग जाएगा 1000 रुपए का तेल लग जाएगा 2000 का तेल लग जाएगा, जाकर थरते मौके पर सारी धरातल करका भाई जिससे किसानों का भला भी हुआ कुछ पता भी चला कुछ अच्छा सीखने ना मिला। मैं सतपाल जाम में तेरे को वैश करना चाहूंगा, जागता के बाल बदा लिए बुलेट के पटाके फलाना डिकड़ा जित जी, मैं घर तय लिखूंगा मैं हेलमेट नहीं उड़ रहा, मेरी मां नंद दिखता मैं, मेरे बाप नंद दिखता हूँ मरेगा जाएगा कड़ी मोटरसाइकिल पर, अक्सर सेक प्रणी नंद दिखता मैं, और चल मैं सतपाल जाम में पूछना चाहूं भाई जिसकी आ रही हो साले की जिसने मरना ही उन्हें बचा लेगा क्या, तो यू पिक्चर रस्सा टंग रहा है देखिए टंग रहा ट्रांसफार्म पर इस पर लटक जू मैं लाइव वीडियो में तो बचा लेगा मना जो मेरी आ रही होगी मैं भी लटक जू
तो बचा लेगा मना, तेरे हाथ में है सब कुछ, अगमन तो लोगों की जान बचानी, मैं ना मरण नहीं देंदा। तो SYL का पानी लिया ना तो विधानसभा बना देना उड़ा जाकर, तो गारंटी खरीद कानून बनवा देना इस पा जीरी पा। तो यू शंभू बॉर्डर बंद पड़ा यू तो छोड़ दो, भी किसान दिल्ली जाओ फलाना जाओ डिकटा जाओ उस बात ना छोड़, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो ना खुलवा दे, मैं तीन बार वैष्णो देवी जा लिया, मैंने चंडीगढ़ जाकर फिर वो KFC का होटल है उसके लिए मैंने मुड़कर जाना पड़ा। 53-54 किलोमीटर का मैंने फर्क पड़ रहा है, सारी जनता ने पड़ रहा है, सारी जनता परेशान हो रही। 9 महीने शंभू बैरियर बंद आ, तो खुलवा देने ना, इतनी चला तेरी बीजेपी सरकार में, इतने काम करने वाली है बीजेपी सरकार का, तीसरी बार बहुमत आ रहा, एक इन बैरियर तो खुलवाया जा रहा। चंडीगढ़ विधानसभा खातर यहाँ रोंदे फिरने लग रहे हैं, तो कोई जमीन नहीं दे रहा, और पार पकड़ रहे उनके पंजाब वाले का, मर्त जमीन दे दो जमीन दे दो। अरे हमारा तो कापड़ा कमैंकल है उन्होंने, हम 107 गांव दे रखे पंजाब दे, उसके बाद वो आर्टिकल 370 लागू लग रहा, करो नहीं करो नहीं, कर नहीं सकते कर नहीं सकते, तो क्या पुंजड़ पाड़ लेगा उनकी सरकार, उनकी विधानसभा में राज्यपाल दस्तक कर देगा, अगले प्लान में मतलब बहुमत में सरकार नहीं आई, अगली बार के इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाए, इनकी आ जा गठबंधन आएगी फिर क्या कर लेगा। तो अरे ना कर दी फेर लागू हो 370 पर, मारा की बुद्ध बना रखा 15 साल हो, ये तेरे विधायक और ठाठा का कुत्ते की तरह बाहर बगाए, विश्व गुरु के विधायक, डिजिटल इंडिया के विधायक, 56 इंची के विधायक, टांगा पकड़ पकड़ कर इनकी मणिपुर मां जम्मू मां बाहर लग रहे बगाने ना, जिंगा दूसरे की सरकार आके पुंजड़ पैड़ दी था इनकी। अरे दूसरे की सरकार छोड़ हरियाणा में, इनकी सरकार विधानसभा की जमीन तक नहीं दे रहे इनते कोई चंडीगढ़ मां, जबकि मारी जमीन मां राख चंडीगढ़ बा, 107 गांव मारे ले रहा पंजाब, SYL का पानी ले रहा हमारा पंजाब। तो यहां दुआ देना सतपाल जाम्बा जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चीज करवा देना, तो इनके जागते के चलान काटा बजा लेना, पटाखे बचा रहना जागता है, बच्चे टूने हमारे यहाँ छोटे छोटे बाल बता रहे, बतावेंगे बाल, जिसका बाल बेचारेगा तो बतावेगा ही, और मैं बताऊंगा बाल उरा जिसका है तो बतावेंगे। इनके भाई बैठे अमरीका पीछे भेज रहे हैं पर डॉलर या पटाखे बजा रहे पूरे बजाए, कल मैं पुंडरी ब्याह में जा रहा था टूल पर उल्टा खड़ी कर पूरे बजाए, पूरी वीडियो बनाई माना, काट ले उनके चलान कितने काटेगा। तो मोटरसाइकिल छुटवा भी देगा थाने में दे, तो मोटरसाइकिल छुटवा देने इतना समाज सेवी आ, तो मोटरसाइकिल छुटवा दे थाने में दे छुटवा, इस तरह तो रंदीन गोलन ठीक था, जो सानू कहे कि कोई हाथ नहीं ला दियो जाग तक मोटरसाइकिल का, तो वो चलान काट दे इनके सारे गए, और कोई जरिए टोलो कमाई को और कोई देख लो ना जागता ना नहीं तंग करो, या मेरे भाई है छोटे सारे के सारे भाई के यहाँ दोस्त है मेरे, मेरे लव आए अपने भाई की सपोर्ट में आए, ना कोई यहाँ नुआ आए मैं नेता नेता समझ का है मना, ना कोई यहाँ बरसाना सरकार पुंडरी सरकार लिख लिख का आए बिलारो गड्ढो पीछे पर्चे ला ला का आए, मेरे प्रचार में गए लाडवाए मामता माए अपने भाई की, इनके खातर बोलना मेरा फर्ज आ। और तो इतनी इतने इनकी माम तो रही कायम कर पुलिस पर चलान कटवाने की बजाय तनता हेलमेट बैंड दे सारी पुंडरी मां खड़े कर दे अपने बंदे ने अपने वर्करा ने खड़े कर दे हेलमेट देगा, जो भी सड़क पा बिना हेलमेट के दिखा उससे सीधे हेलमेट पराना ला भाई जा अपने घरों, फिर उसके घरों हेलमेट पड़ा रहेगा शर्म नो भी पै रहे गई और ठाक धक्के दे जबरदस्ती चलान काटे जा रहे 30-30 हजार के चलान काटे जा रहे जय दे बनाया था तू भला कर इनका अपने लोगों का भला कर जो तेरे हल्के के यहां, मैं हूं पुंडरी के विधायक सारे दिन कहता बुलट के पीछे नंबर मटाकर लिखो पुंडरी सरकार मजे लो कोई दिक्कत नहीं है कहीं की भी किस तरह होगी, मैं बैठा ताने थाने में तारा कोई एक चलान भी काटता और नील भी चोटा गया बस स्टैंड पर फलाना डिकड़ा एक बोतल के पर्दा रहा नींबू तो उस पर लिया नहीं एक नींबू नहीं हाल उस पर नू कू बस बनाया नंबर से अपने सप गया लोटे वीडियो बनाएगा और श्याम सिंह राणा अगनू दान का एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा भी क्या किसी का दान का एक दाना MSP पर दरहन में कुछ ढकोसले बाजी मो जगमोहन आनंद चलो ठीक है यू रूल दुनिया में चल रहा अभी मैं विधायक बनाने पड़ा बनावेंगे अमीना हमारा मारे कर्म में लिख रहे या पालने मारे कर्म में लिख रहे और 7-7 पिलसुण 8-8 पिलसुण 4-4 पिलसुण एक इतनी ईमानदार हो है सरकार इतनी भ्रष्टाचार मुक्त है सरकार आम आदमी ने करी तो हटा पंजाब में एक विधायक की एक पिलसुण करदन हो रहा अभी एक एक बंदा 6-6 बार विधायक बन रहा वो जगबीर मलिक 7 बार विधायक बन रहा था गुआना दे पिलसन काट दो उसकी सारी एक मिलेगी भाई तना जितने कांग्रेसियां घरों बैठे आर गेब के मां 2-2 बार बन रहे 3-3 बार बन रहे 4-4 बार बन रहे एक पिलसन दे ना या कुरुण चौधरी 6 बार की विधायक 6 बार की पिलसन मिल रही ना सारा कटते जा रहे जनता पे तो थारे मारे पे जा रहे टैक्स का पैसा यू सारा पैसा और बर्बाद लग रहे हो इस पैसे तो कब तक कितनी डेवलपमेंट की जाओ हरियाणा मां कितना पैसा बचेगा यू जिनकी एक एक पिलसन करदा क्या कर रहे कुछ सुमार रहे हमारा यहाँ घरों पड़े राम ते खट्टा मां अपनी 6-6 बार बन रहे 7-7 बार बन रहे तो कहने का मतलब पैसा जो बचेगा सारे का सारा डेवलपमेंट में लगाया जाओ हरियाणा की ना जी ना इनते पिलसना देनी इनके घर भरने इनते फॉर्च्यून गड्डियां देनी सिक्योरिटी है पुलिस की और नेता नेता गल्लो नहीं इनके जागत गल्लो भी मैं जितने ब्याह में जा रहे इनके जागत किसी ब्याह में कोई मैले मैले नहीं आ सके उसका छोरा आवेगा 3 पुलिस वाले उसके गल्लो आ रहे उसके छोरे गल्लो भी बताओ ना कौन खावा और तो कह मैल भाई तो कह के ले रहा
तेरा बाप हमें ले लेकर आवेगा सिक्योरिटी गार्ड के लुत्तों कह के ले रहा या पुलिस वाले इसी काम पला रखे और समाज में और थोड़ी चोरी चकारी होने लग रही या दिन दहाड़े किंग भी कतलेआम होने लग रहे गोलियां चलने लग रही पुलिस थारे गलो थर ते सिक्योरिटी देंदी फिर समाज का भला करेगी समाज की समस्या का समाधान करेगी। चौबीस चौबीस घंटे की ड्यूटी दे रखी पुलिस की, चौबीस घंटे ड्यूटी कर रही पुलिस और वो भी इनकी सिक्योरिटी में बस यहाँ टेंट में रोटी खा रहा अपनी फोटो में तो रहे बेचारे बाहर गड्डिया में बैठे थारे खातर पुलिस चल थारे खातर भी होगी एक आधा ले ले एक ले ले करो कौन खावा था नौरी तो फिर होते तुम पार पकड़ देना लिया मैंने लोग आगे पैरा में लिट दे इनका जाकत तीन तीन पुलिस वाले ने लेकर आने लग रहे बैम इनके छोरे आगा चार पांच चार देख लिया मैंने यू कौन भाई इसके गले इतनी सिक्योरिटी यू यू उसका छोरा मंत्री बना नहीं वो चल नाम भी ले दूंगा यार कृष्ण बेदी का छोरा तीन तीन पुलिस वाले उसके गलो चल रहे क्या मतलब है भाई इस चीज का और भी नहीं रहे जिनके सिक्योरिटी मिल रही है जागता ना जागता की कहें कि सिक्योरिटी है हम नहीं फिर दे हम सारा दिन तारी खिलाफत कर रहा है एक बंदा मारे लगे यार दोस्त तक नहीं बह मैं कल्ले भी बग जा कौन खावा माना कहने का मतलब है तो मारे पालने लिख रहे माना पालने आया हम जैसे एक हल्के में मान ले 2.5 लाख जनसंख्या एक हल्के की उसमें उस हल्के में जो सबसे बड़ा चोर होगा ना साला वो बनेगा नेता मान ले बनेगा ईमानदार आदमी नहीं बनता ईमानदार आदमी बनता मैं ही नहीं बन जाता ये किरण चौधरी मैंने गोद क्यों नहीं लेंदी मैंने गोद ले लेना तो अपना अपना छोरा बना दे दुआ मेरे तभी कड़ी थे टिकट ना ना आप भी राज्यसभा सांसद बन गई छोरी का टिकट दुआ लिया मंत्री बन गई यही ये बुढ़ी लगाई यही सैनी रहेगी हम फुद्दू सारे के सारे हम फिर लाडो में पार पकड़ दे लोगों के और क्या बन गए थम भी जो से लाडो में बोतल दे दो दारू दे दो पीस दे दे डेढ़ महीनों लिए दो महीनों लिए चुनाव ना तो दर ही है किसी पे बची हुई बोतल किसी पे का दर पिए बच रहा 2-4 हजार रुपये वोट के ले भी लियोगे बच रहा किसी पे दे एक महीना बस ओ लिया जोर इब ये 5 साल लुटेंगे इब क्या करोगे 5 साल इब जूत खाओ 5 साल रो बेट का फेसबुक पर मेरे किधर ही हो और कुछ नहीं है तो मैं सतपाल जाम्बा तेरे को वास्ट करना चाह रहा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है मेन मुद्दा भाई इन जाग तक चलान चलून वाला मैटर जमी बंद कर दे कोई दिक्कत नहीं रणधीर गोलन गया था नहीं आज यू मंत्री होता यू भी यू अपनी जबैन के ऊपर गया सिर्फ इस जबैन के जो बोली ना बोले है नहीं वो खट्टोर ना चुभ गए पिछली बार इसकी टिकट काटी और जात जीत गया उसके बाद फिर यू कांग्रेस में गया ये अंडरग्राउंड हो गया क्योंकि कभी बीजेपी वाले फाइल नहीं खोलता तेरी ये धर्मपाल नीलो खड़िया अंडरग्राउंड हो गया कभी बीजेपी वाले फाइल नहीं खोलता तेरी और खुलेगी फाइल ईडीसीडी सारी तैयार बैठी जो आदमी 8 करोड़ की टिकट ले रहा है कल कह रहा है मेरे पास फंका चलान बिल भरण के पीछे नहीं 8 करोड़ रुपये तेरे पकड़ देगा टिकट खातर कांग्रेस की टिकट ले लेते ना बैच का उस पे दे दीपक बावरिया पे दे दीपक बावरिया दे का टिकट इस और 5-4 टिकट बेच का दे का इस्तीफा करो पड़ गया राम तो मेरी तो तबियत खराब अगवा मैं तो दीपक बावरिया प्रभारी के पद से इस्तीफा देता हूँ पीछे खा रखे पीछे खा लिए टिकट बेच दी पीछे खाकर इस्तीफा देगा घरों पड़ गया सीता जी कराओ वाली कांग्रेस खड़े होगा अपनी उड्डा सीता जी कराओ खड़े होगा इनकी मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहूं बिल्कुल इनकी फाइल खोली ईडीसीडी भेज इनके घरों जो आदमी कल कह रहे थे बैठ का फेसबुक पर मरपद बिल भरण के पीछे नहीं मरपद न्यू नहीं मरते तो कोई पार्टी टिकट नहीं देंगे हम तो आजाद जनता के बीच में जाएंगे वो बीजेपी की टिकट ले रहे हो कांग्रेस की टिकट ले रहे जो कांग्रेस के 88 विधायक नीलो खड़ी थे खड़े उनमें तो किसी से टिकट नहीं मिल रही इससे टिकट मिल रही जो बीजेपी में चेयरमैन के पद पर भी रहे 5 साल मलाई खाई इससे टिकट दे रहे क्यों दे रहे इसकी ईडीसीडी जांच करवाओ ना कड़ा है मोदी मादी खट्टर और कड़ा था वहां ईडीसीडी पीडीएक मारे खतरिया वहां गरीब आदमी खतरिया पुलिस लठ मारन खतर भाई किसान के टटरिया फोड़ दो लठ मार दो बस उड़ता की हो वो जमीन ले लो ना विधानसभा की जाकर हरियाणा की पंजाब पे दे चंडीगढ़ में एसवाई एल का पानी लियाओ ना वो 370 खतर में थारा विधायक बगाया उड़ा बाहर कुत्ते की तेरी सीट के सीट का उनकी पुंजड़ पाड़ लो ना जाकर उठा था विश्व गुरु आया तो विश्व गुरु डंका बज रहे उनका दूसरे देशों में डंका कुछ ना डंका डुंका यू खत्म अकानी खत्म असोदा कहने का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है मैंने सरकार तो कोई दिक्कत नहीं कभी नु सोचो फिर उसी काम पकड़े होगे ना मैं तो इनकी टिकट भी लेऊंगा भाई आने वाले टाइम में जो टिकट मिलेगी लेऊंगा इनके मतलब लेऊंगा मन देख लीजिए इतनी सच्चाई मेहनत ईमानदारी की जो कीमत मिली है नहीं देख ली मैंने कितनी है सच्चाई ईमानदारी कितनी है दुनिया में टिकट मिले इनकी छोड़ साले की किसी की मिलेगी उसी की ले लेंगे कोई चक्कर नहीं है अगर दिल करेगा लड़न का तो ले लेंगे पीछे देने पड़ गए पीछे भी दे देंगे तुम तो पार्टी को गुलाम हो देख लियो तुम तो मना थारा हाई नहीं कोई दीन मान वाला सिस्टम तुम तो पूंजड़ा पकड़ का बगल इनका जिस टिकट मिल गई उसी का पूंजड़ा पकड़ का बगल लिए बस सच्चे आदमी थे अच्छे आदमी थे ईमानदार आदमी को मतलब ही नहीं था ना तुम तो चाहो ही नहीं और मन थर तो 70 बार पूछा फेसबुक पर बैठ बैठ कर लाइव माँ अरे मखा दीनू मौर्या और राज फिल्म भूतड़ी सी दीनू मौर्या के लवा जावा दीनू मौर्या बेडे के अलावा सीन होता ना देखो राज फिल्म माँ बोली को मैं तेने बर्बाद कर दूंगी भूतड़ी बोली दिनों मोरिया बोले मैं बर्बाद होना चाहता हूं मैंने तेरे तो 70 बार पूछा मैं बता दो मैं तेरे लड़ाई लड़ रहा था बर्बाद ही होना चाहोगे तुम पहले नहीं बताया मेरे तमाम बर्बाद होना चाहवा फिर कहा था मैं तेरी लड़ाई लड़ू था कहा था अपने घर लुटा था मैं वो 12 तारीख की जो मैंने लाइव था तो कह रहा कि 12 तारीख एक लाइव बनाऊंगा जिसके लिए तेरे लिए खुशखबरी आ वो लाइव अपनी पेंडिंग है मेरे याद आ मैंने कह रखा मैं बनाऊंगा
आने वाले 5 दिन में बना दू, 10 दिन में बना दू, बढ़ाऊंगा थोड़ा सा उसमें समीकरण, थोड़े से अड़ रहे थोड़े से 5%, वो क्लियर है बात। वो मेरे याद आ भाई, मैंने एक वादा करा 12 तारीख के बाद में लाइव बनाऊंगा। रही बाकी चुनाव लड़न की बात आगे कदी, तो फिर वो मैंने प्यार किया फिल्म आनी, वो गंजे अंकल लवा सलमान खान आकर, फिर सलमान खान क्या करा गंजे अंकल भाई ला 2000 रुपये कमा के दिखा दू तेरे में दमो, फिर सलमान खान उड़ उत्थे बड़े खावा मुक्के खावा पत्थर फोड़ा दिहाड़ियां करा ट्रक चलावा, फिर बाबूजी लवा जावा गंजे अंकल लवा सुमन का हाथ मांगन, भाग्य श्री का नाम सुमन हो इसमें, इसका सलमान खान का नाम प्रेम होगा। नुकला बाबू जी को कमा लिया मैं 2000 रुपये, नुका तो नोट गल रहे पड़ रहे हैं फलाना डिगड़ा, फिर वो क्या करा बाबू जी मेरे तो एक मौको और दो, जो मना जरूरत पड़ी में भी तरफ एक मौको और मांगूंगा, जरूरत पड़ी तो मांगेंगे एक मौको और सलमान खान की तरी हो, सुमन जी का हाथ मांगे थे जिस तरह, वो बोले बेटे कोई बात नहीं बस ला सुमन जी ने ले जाता हूँ, ये भी ले जाओ सुमन अपने के लो, मना विश्वास है तेरे पर पूरा। अरे भाई रही हारण की बात, ताऊ देवी लाल का इतिहास चेक कराया था मना 1952 थे, उस टाइम तो हरियाणा पंजाब खट्टे थे, हरियाणा 1966 में लगो था पंजाब थे, ताऊ देवी लाल 1952 थे चुनाव लगा था लड़न, पहले चुनाव में लोकसभा चुनाव में 3 वोट आई थी ताऊ देवी लाल पा, उप प्रधानमंत्री बने हमारे देश का 3 बार मुख्यमंत्री बनया, उप प्रधानमंत्री भी बनया, पहले चुनाव में 3 वोट आई, दूसरे चुनाव में 323 वोट आई, चौथा चुनाव में फिर 450 वोट आई, पहले 3 चुनाव हार गया, अपनी जिंदगी में 25 चुनाव लड़े, 13 चुनाव हार, 12 चुनाव जीत्या, उसमें लोकसभा भी, एक बार खट्टे उन्होंने राजस्थान थे हरियाणा थे पंजाब थे, 3 जगह थे 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े, 2 जगह थे जीते सीधी, हरियाणा थे भी जीते राजस्थान थे भी जीते पंजाब थे हारे, ताऊ देवी लाल अपनी जिंदगी के पहले 3 चुनाव हारे, यानी 15 साल लगातार हार रहा, तो अभी तो कह देर होगी तो हार अभी अरविंद कल्याण और सारी जिंदगी हार नहीं लग रहे थे अभी तक, मराठे और आज तक हार नहीं लग रहे, कोई बात नहीं टाइम पड़ा पड़ा, अभी तक उम्र होगी देख लेंगे आगे कदी, तो क्या करा नहीं हो सुल्तान फिल्म में सलमान खान थे उसको बाप बेटे, कई बार इज्जत कमान खातर बेइज्जती करवानी बहुत जरूरी हो सा, तो बेइज्जती तो जो सी होनी थी के मोहली, इज्जत कमान खातर बेइज्जती करवानी भी जरूरी होगा, फिर कमा लेंगे इज्जत, बड़ा टाइम पड़ा, पहला तो बेइज्जती हो इज्जत तो बाद में मना करा, धन्यवाद सभी भाई होगा।